बाबा जी जरूर सपोर्ट किए हैं, कोटि कोटि धन्यवाद, उनका मैं भी सब्सक्राइबर हूँ। जो अवार्ड देते हैं उस अवार्ड के लेने का क्या फायदा? लग रहा है कि आपका हमने गाइडलाइन का उल्लंघन, आपको शंका बरकरार हो ऐसा आप टूल दीजिए जिस टूल के माध्यम आपका डिलीट कर देंगे। डर है, बड़े बड़े यूट्यूबर को डर है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि उस वीडियो में मैंने 400 से ज्यादा वीडियो डिलीट किया, सारे के सारे वीडियो आप डिलीट कर लेते, कम से कम आपके पास सब्सक्राइब। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ चंदन कुमार राय और आप लोग देख रहे हैं बाबा फ्लेक्स प्रिंट सर्विस। मैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ और बहुत सारे संबंधित यूट्यूब टिप्स, प्रिंटिंग टिप्स, हर संबंधित वीडियो बनाता हूँ। और आज जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देखा है कि मेरे तरह भी एक राहुल भाई हैं जिनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल डिलीट हुआ है। आप लोग अगर अभी तक बने हुए हैं तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, वरना पछताना पड़ेगा। अगर राहुल भाई ये कदम उठाए होते तो आज उनका यह चैनल बच जाता। मैं बताता हूँ, 4 सालों का एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक चैनल डिलीट हुआ, मैंने वह कदम नहीं उठाया जिसके चलते मेरा चैनल डिलीट हो गया। और वह कदम क्या उठाते जो उनका वह चैनल बच सकता था, आज वह काम वह फिर वही काम कर रहे हैं। तो क्या क्या करना चाहिए था उनको जब स्ट्राइक आया, और उनको 3 स्ट्राइक आया जिससे कि उनका चैनल बच जाता। और वो उस वीडियो में कह भी रहे हैं कि मेरा सिर्फ अर्निंग का अगर कोई साधन था तो सिर्फ और सिर्फ YouTube ही उनका अर्निंग का साधन था और दूसरा कुछ नहीं। सबसे पहले तो YouTube का तो एक गलती है, आप ऐसा कोई, इतना टेक्नोलॉजी है आपके पास, ऐसा आप क्यों नहीं कोई ऐसा टूल देते हैं जिस टूल के माध्यम से पता चल जाए कि ये कॉपीराइट है या यह गाइडलाइन का उल्लंघन है। सबसे पहले यूट्यूब को यह करना चाहिए, क्योंकि लोग 10-10 वर्ष देते हैं, 5-5 वर्ष देते हैं। जैसे राहुल भाई ने बता रहा है कि 7 वर्षों से मैंने अपना यूट्यूब चैनल दिया है। अभी जो उनका यह सेकेंड चैनल जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह है ग्रोइंग विथ राहुल, जो कि इनका सेकेंड चैनल है। और इसी में आप जब डिलीट हो गया और किस कारण से डिलीट हुआ और वो क्या क्या कदम उठाते तो आज उनका वह चैनल बच जाता। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, सोचते हैं ये न्यू यूट्यूबर है, इनका बात क्यों सीखें, इनसे क्या फ़ायदा, मैं बड़े यूट्यूबर का बात सुनूं उनका? कोई आपको यूट्यूबर मदद नहीं करने वाला है। जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी तरह की परेशानी हो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं और उसका मैं आपको समाधान बता सकता हूं। कोई आपके पास आके खड़ा नहीं होगा। बाबा जी जरूर सपोर्ट किए हैं, कोटि कोटि धन्यवाद, उनका मैं भी सब्सक्राइबर हूं, मैं भी उनका चैनल को सब्सक्राइब किया और मैं राहुल भाई को भी अब इस वीडियो के बाद मैं उनका चैनल सब्सक्राइब कर लूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनका क्या गलती था जिसके चलते स्ट्राइक, तो उनके बहुत सारे वीडियो पर स्ट्राइक आना शुरू हो गया। और उनका जो 3rd स्ट्राइक आया उसमें शायद, जैसे कि वह कह रहे हैं कि मैंने बताया था कि कोई फिल्म देखने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाएं या अमेजन प्राइम या कैसे कौन सा वेबसाइट पर वो फिल्म पता लगे कि आप देख सकते हैं, बस उनका है। लेकिन यूट्यूब की तो गलती है, आप जो अवार्ड देते हैं उस अवार्ड के लेने का क्या फायदा, उस अवार्ड को हम लोग क्या करें, धो चाटें या क्या करें? अगर आप अवार्ड देते हैं तो उस अवार्ड को जिंदगी भर मेंटेन तो रहने दिया जाए, उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, आपके पास तो अधिकार है। जिस वीडियो में हमने गलती किया है स्ट्राइक देने के बजाय आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। जितने सारे मेरे वीडियो पर लग रहा है कि आपका हमने गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो डिलीट कीजिए, और उस वीडियो से हमने जितना इनकम किया है मेरा वो भी आप ले लीजिए, आपस ले लीजिए मेरे इनकम से, आप ये कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है। आप एक समंदर हैं, क्या चला जाएगा आपका? मेरे ऑडियंस को तो आप रहने दीजिए। लाखों लाखों लाख दिन हम लोग मेहनत करते हैं यूट्यूब चैनल पर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस वीडियो में आपको शंका बरकरार हो ऐसा आप टूल दीजिए जिस टूल के माध्यम से पहले पता चल जाए कि आपका यह गाइडलाइन का उल्लंघन है, तो हम लोग वो वीडियो अपलोड ही नहीं करेंगे। लेकिन ये तो मत कीजिए 7 साल के बाद, बताइए अब मेरे उस परिवार का क्या हाल होगा। मेरे साथ भी वो हम भोगे हैं, कोई मदद करने वाले नहीं है। मैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, बहुत सारे यूट्यूबर को मेल करके
उनको सुपर चैट दे के थक गए, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो अपने आप को बड़े बड़े यूट्यूबर कहते हैं, उनके कभी आप वीडियो में फर्स्ट कमेंट कर दीजिए कि मेरे चैनल का यह लिंक है, सब्सक्राइब कर ले, वो आपका डिलीट कर देंगे। डर है, बड़े बड़े यूट्यूबर को डर है, पता नहीं क्या डर लगता। ये सारी चीज का सामना करना पड़ रहा है। यूट्यूब तो ये बहुत बड़ा गलत कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी गलती है। आप एक समंदर है, जीने दीजिए मछली के बिना। अगर आज के डेट में सारे क्रिएटर आउट हो जाए तो फिर आप जीरो हैं, लेकिन उन क्रिएटर की, ये सारे क्रिएटर को इस पर आवाज उठाना चाहिए। अब बात रह गई कि राहुल भाई के क्या क्या कदम उठाना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। 4 सालों का एक्सपीरियंस है, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर, कान खोल के सुन लीजिए। भले ही मैं, ये जो चैनल आप देख रहे हैं वो कुछ मैंने 3 महीना पहले बनाया है, और मैं प्रिंटिंग लाइन में ज़्यादा, जब मेरा वह चैनल डिलीट हो गया तो मेरा मन टूट गया, फिर मैं प्रिंटिंग लाइन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया, जिसके चलते मैं देख रहे हैं आप, मैं टाइम पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन 3 महीने का मेरा ग्रोथ चैनल है, जो भी सब्सक्राइबर है, रियल सब्सक्राइबर है। राहुल भाई को जो फर्स्ट स्ट्राइक आना आया, आप लोग सुन लीजिए कि उनको क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या कदम उठाना चाहिए था। जब राहुल भाई को फर्स्ट स्ट्राइक आया तो एक तो सबसे पहले अपलोडिंग बंद कर देता है यूट्यूब। उनको करना चाहिए कि जब उनका अपलोडिंग शुरू हुआ तो उनको एक वीडियो अपलोड करना चाहिए, जिसमें कि उनको अपने सब्सक्राइबर को कहना चाहिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियोज पर स्ट्राइक आना शुरू हो गया है, इसीलिए मैं कुछ दिनों तक मैं अपने चैनल को चेक करूंगा, अभी मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा, कोई वीडियो नहीं डालूंगा, और मुझे आप लोग कम से कम 120 दिनों को मोहलियत दें, मैं फिर से आप लोग के लिए पुनः मैं वीडियो लेके आऊंगा। सब्सक्राइबर कहते कि नहीं, इनके साथ परेशानी है। तो सबसे पहले उनको ये कि आप वीडियो अपने चैनल पर जब फर्स्ट स्ट्राइक आया तो उनको डालना चाहिए था। दूसरा कि उनको सारे वीडियो को प्राइवेट कर देना चाहिए था, सारे वीडियो को प्राइवेट कर देना चाहिए था, जिससे कि उनको 90 दिन के अंदर ना सेकंड आता ना थर्ड आता, फिर भी लगे कि नहीं तो सारे के सारे ओल्ड वीडियो को डिलीट, जैसे कि उन्होंने बताया है कि उस वीडियो में मैंने 400 से ज्यादा वीडियो डिलीट किया, सारे के सारे वीडियो आप डिलीट कर लेते, कम से कम आपके पास सब्सक्राइबर तो बचता, ओल्ड जितने सारे वीडियो थे। और ये ज्यादा केस बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जिनका 4 मिलियन का वीडियो डिलीट हुए हैं, बाबा जी का 2.5 मिलियन का वीडियो डिलीट हुआ, सारे पुराने ही वीडियो पर आ रहे हैं। तो आप सारे अगर वीडियो डिलीट कर देते तो कम से कम आपके पास सब्सक्राइबर आज रहता तो वीडियो बनाते आपको अच्छा खासा व्यू आ जाता। उन्होंने यह भी नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने देखता गया, पर डे उन्होंने वीडियो देखा, कुछ वीडियो डिलीट किया नहीं किया, 400-2000 के ऊपर उनके पास वीडियो, सारे वीडियो को डिलीट कर देते, आज तो ऐसे भी आपका सारा वीडियो डिलीट हो गया, चैनल डिलीट हो गया। लेकिन अगर आप सारा वीडियो फर्स्ट स्ट्राइक के बाद अगर आप डिलीट कर देते तो आज आपके पास रियल सब्सक्राइबर, ओल्ड वीडियो अगर डिलीट कर देते तो रियल सब्सक्राइबर बचा रहता और आपके पास क्वालिटी था, है, जो कि आप अपना चैनल को फिर से ग्रो कर सकते थे। तो यह उन्होंने कदम नहीं उठाया जिनके चलते उनका 1 मिलियन वाला सब्सक्राइबर डिलीट हो गया। अगर आप लोग के ऊपर भी अगर स्ट्राइक आता है, एक तो गलती नहीं करें, अगर आता है तो आप लोग फौरन सारे वीडियो को प्राइवेट कर दें, चेक करना शुरू कर दें, और कुछ समझ में नहीं आए तो फौरन सारे के सारे वीडियो डिलीट मार के पुनः से वीडियो बनाए, आपका चैनल बच सकता है। अन्यथा जैसे राहुल भाई आज रो रहे हैं, कभी नित्या के सपोर्ट भाई रोए थे, उसी तरह से आप लोग को रोना पड़ जाएगा। तो चलिए, इसी वीडियो के साथ मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।